बुलेटिन के आखिर में हम बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां पर रिटायर्ड जस्टिस खोलसे पाटिल ने आरएसएस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आखिर जस्टिस ने आरएसएस पर क्या आरोप लगाए हैं, सुनाते हैं आपको। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो ज्यादा जिम्मेदार है और उनका काम है कि सब माइनॉरिटीज को साथ लेके उनको विश्वास दिलाना कि भाई हम आपके साथ हैं। वो होता नहीं, होता नहीं क्यों? तो यहाँ के जो आर्य ब्राह्मण है जिनका ये आरएसएस का संगठन है, वो संगठन का उद्देश्य ही भारत को हमेशा अराजकता में रखना, भारत में हमेशा अराजकता का फैलाव करना। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, महात्मा गांधी के मारने के प्रयास उनके 1934 से थे। पहला बॉम्ब गांधी के ऊपर उन्होंने 1934 में डाला, उसके गलती से वो उनके आदमी की पड़ा और गांधी जिंदा रहे। उसके बाद गांधी की 5 बार हत्या की कोशिश की कि हो नहीं। जब हत्या की तो गोडसे मुसलमान की टोपी दाढ़ी सुनता भी करके उनको मारने गए। मारा, पहली न्यूज आई, वो उस समय सिर्फ रेडियो था, पहली न्यूज आई कि इस गांधी को एक माथेपुर मुसलमान ने मारा। उसके बाद जिस उन्होंने लोगों ने पहचाना कि ये नथुराम है, पुना का ब्राह्मण है, फिर हिंदुत्ववादियों ने मारा करके, नहीं तो रात भर हमारे मुस्लिम भाई की कत्ल होती। तो ये जो हमेशा षड्यंत्र रचते हैं आज भी वैसा है, बॉम्ब वो फोड़ते हैं और लड़के मुस्लिम अंदर जाते हैं। तो क्यों? तो यंत्र उनकी है, आईबी उनकी है, ज्यूडिशियरी उनकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनकी है, तो हमारा कौन?